फ्रेंड्स, सपना क्राफ्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं अपना ट्यूटोरियल शुरू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने अलग अलग साइजेस के जो ये लीफ रखे हैं, आज मैं आपको क्रोचेट से अलग तरह से लीफ कैसे बनाते हैं वो बताने जा रही हूँ। तो अलग अलग साइजेस के देख रहे होंगे आप, ये यार्न की थिकनेस पे डिपेंड करता है कि कितना थिक यार्न आप लेते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तो साइज जो है वो वेरी करते रहते हैं यार्न की थिकनेस से। तो फ्रेंड शुरू करते हैं, मैं आपको सिखाने जा रही हूँ साइज का। मैं जो लीफ बनाऊंगी ये निटिंग कॉटन यार्न है एंकर का, उस पर मैं बनाने वाली हूँ। इसके लिए स्टार्ट करते हैं, हमने ये लूप बना लेनी है, मैजिक लूप, और ऐसे क्रोशिया हुक को ऐसे डालेंगे इसमें, और फिर ऐसे एक और लूप लेके और ये हम चेन डाल देंगे। अब चेन डालने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इस लूप को 12 बार जो है वो हम सिंगल क्रोशिया से फिल कर देंगे, ये ऐसे 1, 2 और ये 3। तो इस तरह फ्रेंड्स ये मैंने 12 बार इसको पूरी की पूरी लूप को सिंगल क्रोशिया से फिल करना है। ये मैंने लूप को 12 बार सिंगल क्रोशिया से भर दिया है। अब क्या करेंगे, आप ये टेल देख रहे हैं, इस लूप को हमें बंद करना है, तो इस टेल को पुल करेंगे, बड़े आराम से हो जाता है ये, और ये हमारा जो रिंग बंद हो गया और ये कंप्लीट रिंग की लुक आ गई। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, अब इस टेल को हम नीचे रख देंगे, इसका कोई हमारा यूटिलिटी नहीं है। अब रिंग को हम बंद करना है, तो ये वाली जो चेन है ये वाली, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से, ये स्लिप स्टिच से हमने ये बंद कर दिया। फिर हम एक चेन लेंगे, चेन लेकर क्या करेंगे, फिर हम इसी लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे और एक और लूप ले लेंगे। फिर से क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली जो चेन है हमारी, ये वाली जो चेन है ये वाली, इसमें क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे, ये इंसर्ट करके एक और लूप ले ली। तो ये हमारे हुक पे 3 लूप्स आ गई हैं, तो अब ये 2 का 1 और ये 2 का 1। अब हमने नेक्स्ट स्पोक डालनी है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स करेंगे लीफ को, और ये जो बम्प आपको दिख रहा है ये वाला जो बम्प है इसमें इंसर्ट करेंगे और एक लूप बना लेंगे क्रोशिया हुक से इसमें, ये जो है ये बम्प जो है इसमें इंसर्ट करेंगे हम क्रोशिया हुक, ये ऐसे आराम से हो जाता है। तो इसमें इंसर्ट किया, फिर हमने ये और लूप ले ली, फिर ये इसकी ये जो एंड है इस स्पोक का, इसके बैक में से फिर से हम इंसर्ट करेंगे ये, फिर हमने एक लूप ले ली। अब ये 3 लूप होगी, फिर हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट चेन में, इस वाली चेन में हम इंसर्ट करेंगे क्रोशिया को, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब हमारी नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो 4 हो गए हैं, तो स्पोक भी जो हमारी लंबी होती जाएगी, ये हो गया। अब फिर से नेक्स्ट हम फिर से क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे फिर क्रोशिया हुक को, इस लूप में इंसर्ट किया, फिर से लूप बनाई, फिर इसमें किया बम्प में, फिर से लूप बनाई और फिर लास्ट में इंसर्ट करके ये 4 लूप्स हो गई। अब फिर से नेक्स्ट इस चेन में हम इंसर्ट करेंगे क्रोशिया हुक को, ये बहुत ज़रूरी है चेन में आगे बढ़ने के लिए, लास्ट में जो है वो नेक्स्ट चेन में इंसर्ट करना,
तो ये देखिए, ये ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे बन गई। ये हमारी अब 3 स्पोक्स बन गई। इन टोटल हमने 8 स्पोक्स बनानी है, 3 बन गई हैं। फिर से हम इसको टर्न करेंगे ऐसे, और इस बम्प में से फिर से लूप बना लेंगे। जो फर्स्ट वाला थोड़ा बम्प होता है वो टाइट होता है, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, फिर बाकी जो है वो स्मूथली आप इंसर्ट कर सकते हो आराम से। ये 2, ये 4 हो गए, और ये फिर लास्ट में, और फिर ये इस चेन में, ये 2 का 1 2 का 2 का 1, और ऐसे ये हमारी जो है वो 4 स्पोक्स डल गई हैं। इसी तरह मैं 4 और डालूंगी, इन टोटल 8 स्पोक्स डालूंगी, 8 स्पोक्स मैं डालूंगी, तो हमारा जो है वो लीफ कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं 7th स्पोक जो है वो डाल रही हूँ, ये कंप्लीट होने वाली है। एक आपको ये मैं टिप देने वाली हूँ कि जब हम स्पोक कंप्लीट करते हैं तो ये जो लास्ट के 2 रह जाते हैं इनको हमें बड़ा टाइट नहीं रखना है, लूज रखना है, ताकि जब हम ये बम्प उठाएं तो हमें उठाने में आसानी ना हो। अब हम मैं 8 स्पोक डाल रही हूँ, तो जैसे मैंने ये लूज रखा था तो आप ये देखेंगे कि बड़ी आसानी से जो है वो मैंने इंसर्ट कर दिया हुक को, और ये बन गया। बाकी के सारे जो बम्प्स हैं वो लूज होते हैं, जो लास्ट वाला होता है अगर हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे तो वो फिर टाइट हो जाता है, तो थोड़ा इंसर्शन में जो क्रोशिया हुक को हम जब उसमें इंसर्ट करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है टाइट होने की वजह से। तो इस तरह ये हमारी, ये देखो कितने सारे हुक आ गए इसमें, क्रोशिया हुक पे कितने सारे लूप्स आ गए, सॉरी। तो ये लास्ट में फिर यहाँ से डाला, और ये सबसे लास्ट में फाइनली जो है वो चेन में डालकर, अब ये इतने सारे लूप्स आ गए हैं हुक पे। अब इनको हम फिर से ऐसे करेंगे, ये 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1, ऐसे ऐसे ये हमारी 8th स्पोक जो है वो डल रही है, और हमारा जो है वो लीफ कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए कितना अच्छी शेप इसकी लीफ की आई है। ये इसमें क्या है कि हमने जो 12 सिंगल क्रोशिया से ये भरे थे, तो 8 जो सिंगल क्रोशिया से भरे थे उस पर हमारी ये स्पोक्स बनी है लीफ की, 8 बनी है, और 4 जो है वो हमारी फ्री रह जाती हैं, 1 2 3 4, और ये एक बहुत सुंदर सा लीफ बन के हमारा तैयार हो जाता है। अब इसको यहाँ से कट करके इसको मैं यहाँ पे बंद कर देती हूँ, और इस यार्न को भी कट कर देंगे, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले यार्न को हम थोड़ा फासन कर देते हैं, थोड़ी फिनिशिंग दे देंगे इस यार्न को। ये मैं बाद में कर दूंगी इसको फिनिशिंग, इसकी आराम से करने वाला काम है। और फिर ये हमारा जो है वो लीफ बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ा ही आसान है और बहुत ही सुंदर बनता है ये लीफ। ये अब आप इन लीफ को एज अ लीफ भी यूज कर सकते हैं। आप जो दुपट्टा होता है उस पे आप चेन स्टिच से एक बेल से बना दीजिए, और साथ में लीफ बना दीजिए। साइज लीफ का आप डिसाइड करें, तो उस हिसाब से जो है आप अपने यार्न की थिकनेस, उस उतने थिक जो यह है यार्न वो यूज़ करें। तो आप दुपट्टा में यूज़ कर सकते हो, साड़ी में भी बेल बना सकते हो, आप सिल्वर और गोल्डन कलर का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हो, उससे लीफ बना के फिर उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप सीक्वेंस का थोड़ा सा ऐड कर दें तो वहाँ पर यूज़ हो सकता है। और मैं आपको एक और आइडिया जो मैंने यूज़ किया है ये दिखाती हूँ। मैंने ये पतले वाले जो हमारा टैटिंग का धागा होता है उससे मैंने ये लीफ बनाए हैं, और भी पतले यार्न से। तो इनको मैंने एज अ पेटल यूज़ किया, फ्लावर बना दिया है, फ्लावर की पेटल्स यूज़ किया है, इसको मैंने लीफ नहीं यूज़ किया, एज अ लीफ नहीं यूज़ किया।
तो ये फ्लावर बना दिया और नीचे मैंने एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस से इसके लीफ बना दिए और स्टेम बना दी है, तो ये एक पूरा छोटा सा प्लांट बना दिया। तो ऐसे आप आइडियाज अपने लगाकर आप बेडशीट पे भी बना सकते हैं, पिल्लो कवर पे बना सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मैंने ये थोड़ा शॉर्टकट मारा है कि मैंने वीड्स लगा दिए हैं, वो आपकी चॉइस है। अदरवाइज आप यहाँ पे ब्लैक और येलो कलर से फ्रेंच नॉट मार के पोलन भर सकते हैं। ये जो ये वाला पोर्शन है मैंने बीड्स रख दिए हैं, तो ये अलग अलग आप इसका यूसेज कर सकते हो। इन लीव्स का आप एज अ लीफ यूज़ कर सकते हो, एज अ पेटल यूज़ कर सकते हो, फ्लावर बना सकते हो, दुपट्टा में यूज़ कर सकते हो, सूट में भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ वैसे उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये फ्रेंड्स कुछ आइडियाज़ थे जो मैंने आपको दिए हैं। तो आप इस वीडियो को मुझे उम्मीद है कि ज़रूर पसंद करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और मैं कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आपके सामने आऊँगी, तब मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स वंस अगेन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।